अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बनाना ब्रेड या बनाना केक, जिसके लिए आपको चाहिए बनाना ब्रेड। बनाने के लिए हमें चाहिए बनानास, सम एग, बटर, कोको पाउडर, नो, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा एंड शुगर। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं अपने इन बनाना से जो कि हैं। मुझे लगा था कि ख़राब बनानाज होंगे, लेकिन अंदर से देखें बिल्कुल ठीक निकले हैं। इनको मैं मैश कर लूँगी अच्छी तरह, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मैं मैश कर रही हूँ। चलिए, जब तक बनानाज मैश हो रहे हैं, आप सुनाएं तबीयत शबीयत कैसी है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के करम से। मुझे थोड़ा सा फ्लू है, लेकिन बस बदलते मौसम के साथ थोड़ी सी तबीयत तो ख़राब होनी होती है, डजेंट मैटर। अच्छा, बनानास आपने ना अच्छी तरह मैश कर लेने, साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। लो, थोड़ी सी गप्पे शप्पों के साथ जो है ना काम भी किया जाता तो बहुत अच्छा होता है। बनानास जैसे ही मैश हो जाएंगे ना, देखें ये देखें कितने प्यारे बनानास मैश हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे एग, ठीक है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस डाला या वनीला एक्सट्रैक्ट, वट एवर यू लाइक, जो भी आपका दिल करे आप ले लें। उसके बाद मैं क्या डाल रही हूँ, अरे दिखा तो दो बीबी। अच्छा, चीनी डाल के मैंने एक कप मैंने चीनी डाली। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे अमाउंट्स बता दूंगी क्या चीज़ कितनी लगेगी, ठीक है ना। चीनी डाल के मैंने अच्छी तरह इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसमें कोई बीटर यूज़ नहीं किया, ठीक है ना। मैंने आराम से बस अपनी फोक से सब कुछ किया है। मैं इसमें अब आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं या आपके पास जैसा भी बटर पड़े आप डाल दें। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे अमाउंट बता दूंगी आपको। और थोड़ा सा ना मैंने इसमें ऑयल भी डाला है ज़रा सा, ठीक है ना, ज़्यादा आप जैसे देख सकते हैं मैंने ज़्यादा नहीं डाला। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक बटर इसके अंदर मिक्स हो जाता है। आई सजेस्ट कि मेल्टेड बटर डालें, क्योंकि फिर ना वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने नूरपुर का बटर इस्तेमाल किया था, आपकी मर्ज़ी, आप ब्लू बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, एडम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक। अच्छा, लीक मतलब हमने ना थोड़ा सा खुश्क जो अमेज़े होते हैं ना वो हम जो है वो मिक्स करेंगे। उसके अंदर मैंने मैदा लिया है और साथ में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इफ़ यू वांट तो आप कोको पाउडर जो है वो डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे कोको पाउडर नहीं पसंद इतना बनाना ब्रेड या बनाना केक में, तो मैं बस इसको ना सिंपल रखती हूँ। ये सारे हमने मिक्स कर लिए, मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब मैं थोड़ा 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 करके ना अपने अंडे और केले वाले मेज़े में ना इसको मिक्स करूँ, ठीक हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ, कोई भी नहीं यूज़ कर रही, मैं कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ फोक यूज़ कर रही हूँ बहुत आराम से। मैंने कोई अंडा भी नहीं फेंटा इतना, बस मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके टकाटक फटाफट कर लिए, ठीक हो गया। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, क्योंकि हल्के हल्के से हमें सॉफ्ट सा चाहिए होता है केक, तो थोड़ा सा ना फ्लोई सा और रनी सा रखेंगे आप इसको, ठीक हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, हाँ। और अब मैं क्या करूँगी, हमारा तैयार हो चुका है, अब मैं इसको जो है ना इस पैन में डाल दूँगी। अच्छा, पहले मैंने इसके ऊपर बटर और मैदा लगाया था, फिर मुझे ख्याल आया कि वो मैं बटर पेपर लगा लेती हूँ तो मैंने बटर पेपर के ऊपर फिर दोबारा से बटर लगाया और अपना अमेज़ा जो है उसके अंदर डाल दिया। अब इसको मेरे ऊपर थोड़े से बादाम गार्निश किए हैं एंड दिस इज़ अ मैजिक। इसको हम जो है ना 170 डिग्री पर जो है वो बेक करेंगे। अब ये देख सकते हैं आप बिल्कुल पक चुका है, 170 डिग्री पर बेक करेंगे 45 मिनट के लिए, ठीक हो गया। और ये देखिए बहुत सॉफ्ट और इसकी जो साइडें थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है ना, आई जस्ट लव इट, ब्रावो। मतलब मैं कह रही हूँ ना ब्रावो तो ब्रावो। अब मैं इसको गार्निश आउट करने लगी हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं थोड़ा सा गर्म था लेकिन बस गुजारे लाइक था। इट वॉज़ द यमीएस्ट केक। और इस वीडियो को देख के ना मुझे दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से बनाऊँ, तो मैं कल दोबारा बनाऊँगी। यम, बहुत मज़े का था।